सुबह उठ के तैयारी करते हैं, गांव से बच्चे निकलते हैं, क्या गुजरेगी उनके सपनों पे जब पता चलेगा हम तो ठेके पे हैं, जैसे मलिक साहब बता रहे थे। देखिए, युवाओं का सपना तो चूर चूर कर दिया इस मोदी सरकार ने। आपने देखा, फौजी बनने के लिए बच्चे सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के बड़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्होंने फौज भी ठेके पे दे दी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का इसलिए भी है कि ये देश तीन तरफ से बहुत बड़े दुश्मन है जो हमारे देश के, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उन्हें चारों तरफ से घिरा हुआ है। और वो देखा अपने चाइना से कई किलोमीटर अंदर बढ़ के हमारे देश पे कब्जा कर चुकी है, लेकिन ये सरकार को उसको फौज को घटाने में लगे हुए हैं। और जब तक ये बीजेपी की सरकार जोगिनी पथ योजना वापस नहीं लेगी, जब तक पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चाहे रोड लड़ाई लड़नी पड़ो, चाहे विधानसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा की, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। और जो हमारी पार्टी हाईकमान है, जैसे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उन वो जब भी हमारे को आदेश देंगे, हम वर्कर की तरह, हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इस लड़ाई के लिए अगर कोई जीवन भी बलिदान करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार। बड़ी बात है, किसान आंदोलन को वापस लिया गया और उसके बाद ये इसके खिलाफ भी इतना बड़ा आंदोलन तैयार हो गया है, तो क्या मानते हो सरकार वापस तो लेगी लेकिन कदे वह काम हो जाए, रिंग कर ले? देखिए, सरकार है ना, सरकार गलत फहमी में है। उन्होंने इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया कि आपने किसानों के खिलाफ तीन काले कानून ले गए। किसानों ने जब 13 महीने लड़ाई लड़के वो तीनों काले कानून वापस करा दिए, उनको समझ में फर्क है सरकार को। इसलिए कहना चाहूंगा, ये किसानों के ही बेटे हैं जो फौज में जाते हैं, उन्होंने तो फिर उसी माल का छाता माथा मार दिया। वही किसान के बेटे हैं, वही किसान हैं, वही फौज में नौकरी करते हैं, वही बॉर्डर की, देश की सेवा करते हैं, वही सुरक्षा करते हैं। और तो ऐसा तो नहीं भाई, किसान और जवान को खत्म करने की एक लंबी साजिश चल रही है। देखिए, आपने किसान और जवान की बात करी, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान और जवान। पहले इन्होंने किसानों को मारने सोची, आज जवान को, लेकिन ये दोनों इतनी बड़ी मजबूत है, ये सरकार के काबू आने वाले नहीं है। दोनों अब भी किसान और जवान दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जोगिनी पथ योजना इनको वापस करा के दम लेंगे। विपक्ष के नाते आप लोग कितना समर्थन देंगे? देखिए, विपक्ष के नाते आपने देखा कि आज हम पूरे भारतवर्ष में हर आश्रम कार्यालय में, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो, किसी स्टेट की बात हो, कांग्रेस आज सत्याग्रह प्रदर्शन करेगी 3 घंटे का। और हम युवाओं के साथ हैं, युवा हमारे पीछे, युवाओं से आगे रह के लड़ाई लड़ने का काम करेगी कांग्रेस। जब एक बच्चे ने सुसाइड किया था रोहतक में, जब दुष्यंत चौटाला का बयान आया था कि ये कमजोर है। देखिए, दुष्यंत किसका जिक्र करो, आप मैं दुष्यंत का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता। वो कहते थे किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, उन्होंने तो किसान बेचने का काम किया। आज युवा को बेचने के लिए भी उसकी एक सहमति है। जिस लड़के की आपने बात करी, मेरा वहां डाले जमाना कला, मैं उनका गोड्डा मोड़न गया था, उसके पिताजी मिले, लजवाना गांव के बुजुर्ग मिले, मैंने उनसे बात करी। उस बाप से पूछो जिसका बेटा गया, दुष्यंत का क्या है? दुष्यंत तो गद्दार है, दुष्यंत ने तो इस हरियाणा प्रदेश को बेचा, इस हरियाणा प्रदेश के किसान को बेचा, इस हरियाणा प्रदेश के जो 10 विधानसभा छिट्टी थी वो बीजेपी के खिलाफ देने का दी, उन्होंने कही दी तू बेच के बीजेपी को दिन जाते, ये तो गद्दार है, तो कौम का भी गद्दार है और देश का और प्रदेश का भी गद्दार है। अबे चौटाला ने भी चिट्ठी लिखी है, अरे यू सारा परिवार एक है, से कान नो पकड़ ले, से नो पकड़ ले, यू सारा खाता एक से, एक बेटोड़ो के गुस्से हैं। आपने देखा राज्य से भागा इलेक्शन था, यू कई दिन तीन भाई चौटाला जी नू को दे, अग भाई मधु सिंह भाई पूछूंगा, विनोद शर्मा की गोज मात दे रखे, कितने में बिके हो? अरे 2 दिन पहले दुष्यंत यू अभी अभी बिकया पाया, यू अपनी ना बताता मैं कितने बिकया हूँ, सारा एक खाता है, एक गली के तुम्हारी। हाँ बिल्कुल बिकया जी, वो बताए, वही हरियाणा प्रदेश को बताना चाहिए कि उसने इस राज्यसभा में कितने रुपए में बेचा है हरियाणा को और उस विधानसभा को, उसको बताना चाहिए। जब वो दुष्यंत के बारे में कह रहा था अखबार ने बेच रखा है, तो वो अभी तो बिक रहा है, वो तो दुष्यंत की पूछा था, मैं वैसे अब जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, आगे आप हरियाणा प्रदेश को बताएं दुष्यंत कितने में बिका, आप खुद कितने में बिके। एक वो वीरेंद्र सिंह भी कह रहे थे राज्यसभा की सीट तक करोड़ों में आया करें, नहीं वो आप देख लो 300-400 करोड़ में, 3000 करोड़ में,
एक पंडित जी को बीजेपी और जेजेपी ने एक इनको लूट के एक परिवार को लूट के एक राज्यसभा बनाया है। अग्निपथ वाले बच्चे आपके पास भी आते होंगे, कई लोगों पर मामले भी दर्ज हुए हैं, क्या कहा उन बच्चा ने आपने? देखिए हमने आज वो मांग हम रखेंगे, मैं मलिक साहब के पीछे भी कहूंगा, हमारे सीनियर विधायक हैं पांच भर के, मेरे तो पिता के समान है, मैं इनसे भी आज रिक्वेस्ट करूंगा और मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने भी ये बात रखूंगा। जैसे मैं अगर घुमाने की बात करूं तो एक दिन बच्चों ने एक आंदोलन किया था अग्निपथ के खिलाफ और 200 बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कई बच्चे तो आज जेलों में हैं, उनको भी सरकार वापस लेने का काम करें, अन्यथा इनके खिलाफ भी हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सरकार तक कहना, सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा जो ये बच्चे मुकदमा दर्ज करें इनको वापिस लो और जो जेल में उनको रिहा करो और ऐसा कोई कानून मत बनाओ आगे युवा में इतना जोश और उत्साह हो जाए।